Hello Bacho. Let's read the question. A compound microscope uses an objective lens of focal length 4 cm and eyepiece lens of focal length 10 cm. An object is placed at 6 cm from the objective lens. Calculate the magnifying power of the compound microscope. Also calculate the length of the microscope. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept. And here the key concept will be मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की इट इनोट कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो कितने टाइम यहाँ पे हमें इंक्रीज होके दिखाई दे रहा है तो जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इट इज यूज टू मैग्निफाई द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड द मैग्फाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इक डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस डीज द डिस्टिंक्ट डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज का यूज करते हैं एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस सेकेंड वन इज द आई लेंस तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हम ऑब्जेक्टिव लेंस की साइड रखते हैं और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखाता है एंड इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करता है जिसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल इमेज बनती है दैट इज मैग्नीफाइड इन नेचर तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस यानी हमारे पास यहाँ नॉट की जो वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन माइनस सिक्स सेंटीमीटर तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज नॉट एंड जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ फोर सेंटीमीटर के बराबर गिवन है और जो हमारे पास आई लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है इट इज गिवन एज टेन सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किए तो जो फोकल लेंथ आएंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे नाउ सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें तो हमें मैग्नीफाइंग पावर एंड वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन अगर हम इसको यहां पे डिनोट करें बाई एम इक्वल्स माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इन टू वन प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द्वेश्चन नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है अगर हम यहाँ पे नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो हमें यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द लेंस यूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके लिए हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं विच इज गिवन एज वन अपॉन वी नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट इक्वल वन अपॉन एफ नॉट नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ये तो एज इट इज रहेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है सिक्स सेंटीमीटर तो इट विल बी माइनस सिक्स और एफ नॉट की वैल्यू दे रखी है फोर सेंटीमीटर के बराबर सो फ्रॉम ईयर द वैल्यू ऑफ वी नॉट कैन बी कैलकुलेटेड एज वन अपॉइट फोर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी माइनस वन अपॉइन सिक्स सो फ्रॉम ईयर वी कैन कैलकुलेट वन अपॉन वी नॉट इक्वल्स एस एम आ जाएगा ट्वेल्व के बराबर एंड इट विल बी थ्री माइनस टू दैट विल बी वी नॉट इक्वल्स ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास इमेज बनेगी बाय ऑब्जेक्टिव लेंस अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास इमेज दिखाई देगी नव यहाँ पे जो ये इमेज बनी है ये आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी एंड फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर इट इज गिवन एज एम इक्वल और एफ ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे टेन सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है सो फ्रॉम यर वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर इट विलू ये हो जाएगा टू पॉइंट फाइव प्लस वन दैट विल बी थ्री पॉइंट फाइव और यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर विल बी माइनस ऑफ सेवन माइनस सेवन का मतलब ये हो गया एक तो जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और जो इसका नेचर है दैट इज रियल एंड इनवर्टेड वो हमें यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड देखने को मिलेगा ना अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें एक तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है दूसरा हमें ये निकालना है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस है इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें एल की जो वैल्यू है एक तो ये नॉट प्लस जो आई लेंस है इससे हमने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन दोनों के सम के बराबर होगा इसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं बाई यू यानी अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से हियर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप रिटर्न एज नॉट प्लसू और हमें यहाँ पे जो आईलैंड है उसे ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है अगर ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो वी कैन फाइंड आउट ऑफ माइक्रोस्कोप इसके लिए अगेन वी विल यूज लेंस फॉर्मूला फॉर आईलैंड आईलैंड के लिए जो इमेज बनती है अगर हम डायग्राम से भी देखे इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डी ये हमारे पास आईलैंड हो गया इससे जो फाइनल इमेज बनती है वो

माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर के बराबर और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें यू की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी माइनस सेवन सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा फ्रॉम दी आई लेंस सो फ्रॉम दी गिवन डेटा वी कैन फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट विल बी वी नॉट प्लस यू जो ट है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर के बराबर है और यू की वैल्यू हमने निकाली है 7.14 सेंटीमीटर के बराबर सो द होल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी 19.14 सेंटीमीटर इट विल बी द फाइनल आंसर सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से हियर द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप विल बी नाइनटीन सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ And magnifying power of the compound microscope will be minus 7. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.